महाराष्ट्र का आनंदवाड़ी गांव भी बहुत अच्छी बात के लिए चर्चा में है। इस गांव में 165 घर हैं और ये सभी महिलाओं के नाम हैं। एक गांव वाले ने इस बारे में सोचा और उसकी पहल पर ग्राम सभा ने ये नया फैसला लिया। वहां के लोगों ने मिलकर इस गांव के सभी घरों को उनकी महिलाओं के नाम कर दिया। महिला सशक्तिकरण का ये एक बहुत अच्छा नमूना है। जिस तरह हम हर साल देवी लक्ष्मी को अपने घर लाते हैं, उसी तरह से हम अपने घर की महिलाओं को भी सम्मान देना चाहते हैं। महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब वो घर संभाल सकती हैं, तो क्यों वो खुद ही घर की मालकिन हो। इस तरह से लोगों को पुरुषवादी मानसिकता से बाहर आने का भी मौका मिलेगा। वहीं कुछ लोगों ने आगे बढ़कर अपने खेतों को भी इन महिलाओं के नाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन घरों में महिलाओं के नाम की ही नेम प्लेट लगी हुई है, साथ ही उनके फोन नंबर भी लिखे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि लड़कियों को जन्म से ही एक बोझ माना जाता है और अब लोगों की सोच बदल रही है। पिछले साल से यहाँ सामूहिक विवाह भी आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसका खर्च पूरा गांव उठाता है। इससे किसी पिता पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। इसके अलावा इस गांव की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 15 सालों से ये गाँव अपराध मुक्त बना हुआ है। पिछले 15 सालों में यहाँ एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इस गाँव में 635 लोग रहते हैं। डिस्प्यूट फ्री विलेज स्कीम के तहत इस गांव को भारत के बेस्ट गांव का खिताब दिया गया है। इस गांव के बहुत से लोगों ने अंगदान करने का निश्चय किया है और बहुतों ने तो तय किया है कि वो अपना शरीर ही दान कर देंगे, जिससे उस पर रिसर्च की जा सके। इसके साथ ही इस गांव में गुटखा और शराब जैसे हानिकारक पदार्थों पर पाबंदी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।